हेलो एवरीवन वन गुड मॉर्निंग नमस्कार आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय पिछली बार हमने प्लानिंग प्लानिंग कमीशन नीति आयोग ये सब कवर कर लिया था नेशनल इनकम के जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करेंगे ओके राष्ट्रीय आय देखो वस्तुएं जो रहती हैं राष्ट्रीय आय में हम लोग क्या कहते हैं कि एक वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य का योग होता है राइट तो गुड्स जो रहती हैं जिनका हम उपयोग करेंगे नेशनल इनकम में वो यहाँ पर चार प्रकार की होती हैं। एक जिसे कहते हैं मध्यवर्ती दूसरा फाइनल यानी कि अंतिम तीसरी वस्तु होती है जिसका हम उपभोग करते हैं कंजम्पशन और चौथा आता है कैपिटल यानी कि पूंजी कैपिटल गुड्स कंजम्पशन गुड्स फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट्स गुड्स ऐसे करके ये चार प्रकार की जो गुड्स हैं उनका हमें हम उपयोग करते रहते हैं ठीक है अब इंटरमीडिएट गुड्स यानी मध्यवर्ती वस्तुएँ किसे कहते हैं तो मध्यवर्ती वस्तुओं का मतलब रहता है कि वह है सामान जिसका उद्योगों में कच्चे माल के रूप में हम प्रयोग करते हैं रॉ मटेरियल क्योंकि इससे निर्मित माल फर्निश्ड माल जो है अब बनेगा अभी बना नहीं है तो उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स के नाम से जानते हैं ऐसे समझ लो कि अगर चीनी बनाना है तो चीनी बनाने वाली इंडस्ट्री में जो गन्ना होगा वह इंटरमीडिएट होगा अगर कोई कंप्यूटर बनाता है और कंप्यूटर बनाने के लिए वह अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जगह से परचेज करता है प्रोसेसर अलग से लेता है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स मानी जाती है फाइनल गुड्स का मतलब रहता है कि आफ्टर प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग के बाद यानी उसका अब निर्माण हो जाता है तो फिर जब प्रोसेसिंग हो जाएगी तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी यानी उसमें वैल्यू का एडिशन हो जाएगा ठीक है यानी ये वह वस्तु होती है जो अंतिम रूप में उपभोक्ता के पास पहुंचेगी इसी स्वरूप में वो पहुंचती है उपभोग यानी कंजम्पशन गुड्स वो होती हैं जिनका उपयोग जनता करती है जनता के या लोगों के द्वारा उपभोग किया जाता है ओके okay, उन्हें हम ये कहते हैं अब कैपिटल गुड्स का मतलब ये रहता है कि ये वे वस्तुएं होती हैं जिन वस्तुओं से हम क्या करेंगे इन वस्तुओं से हम लोग पूंजी निर्माण करेंगे इनका उपयोग पूंजी निर्माण में किया जाता है है ना कैपिटल फॉर्मेशन में किया जाता है राइट तो ये चार प्रकार की गुड्स जो रहेंगी जिनका नेशनल इनकम में हम उपयोग करेंगे ठीक अब इसके आगे देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको हम नाम देते हैं आर्थिक वस्तुएं। इकोनॉमिक गुड्स आर्थिक वस्तुओं से क्या मतलब होता है इकोनॉमिक गुड्स से क्या मतलब होता है तो इकोनॉमिक गुड्स का मतलब हो जाता है कि ऑल दोज गुड्स विच हैव सम प्राइस यानी जिनका अपना कोई मूल्य होता है उनको हम आर्थिक वस्तु कहते हैं जिनका स्वयं का कोई मूल्य हो कार हो गया स्टील आयरन हो गया और दूसरी तरफ आते हैं जिन्हें हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक गुड्स केयर आर्थिक वस्तुएं तो ये वो वस्तुएं होती हैं जिनमें अपना स्वयं का कोई मूल्य नहीं होता है है ना जैसे हवा हो गया प्राकृतिक वस्तुएं हो गई इनमें खुद की कोई वैल्यू नहीं है आफ्टर प्रोसेसिंग फिर उसकी वैल्यू हो जाएगी ठीक ये क्लियर हो गया इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें एक, एक वर्ड आएगा जिसे हम बोलते हैं कि घिसावट डेपरीशियसन तो घिसावट या डेपरीशियसन से मतलब हो जाता है कि जो वस्तु हम उपयोग में लाते हैं तो उसकी टूट फूट के रूप में या मुद्रा की वैल्यू कम होने के रूप में उसके वास्तविक प्राइस में जो कमी हो जाती है उसे हम घिसावट के नाम से जानते हैं अब राष्ट्रीय आय जो है तो राष्ट्रीय आय को काउंट करने के लिए क्या किया जाएगा कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान देनी पड़ेंगी राष्ट्रीय आय को काउंट करने के लिए है ना राष्ट्रीय आय में एक तो आर्थिक सीमा इकोनॉमिक बाउंड्री आएगी इकोनॉमिक टेरिटरी आएगी यानी ये वह सीमा होती है जिसमें वस्तुएं और पूंजी स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती है ओके okay? उसको कहते हैं ठीक है अब अगर राष्ट्रीय आय को हम काउंट करते हैं नेशनल इनकम को अगर काउंट करते हैं तो राष्ट्रीय आय को काउंट करने के लिए कुछ मूलभूत बातें कि एक तो हमें उस देश की बाउंड्री लाइन फिजिकल बाउंड्री लाइन पॉलिटिकल बाउंड्री लाइन यानी कि उसकी सीमाओं का ध्यान रखना पड़ेगा दूसरा इसमें एक टाइम ड्यूरेशन होगा और वो जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो फाइनेंशियल ईयर होता है वित्तीय वर्ष होता है और फिर उस टाइम ड्यूरेशन में जो फाइनल गुड्स और वस्तुएं निकलती हैं वस्तुएं और सेवाएं उनका मॉनेटरी वैल्यू निकाला जाता है यानी इनका मौद्रिक मूल्य निकाला जाता है इसका प्रयोग करते हैं हम राष्ट्रीय आय में ओके okay. तो राष्ट्रीय आय के कंसेप्ट में कुछ विशेष चीजें हमें ध्यान रखनी है उनको आप नोट रख सक, कर सकते हो कि एक वित्तीय वर्ष में एक फाइनेंशियल ईयर में अंतिम वस्तु और सेवाओं का मॉनेटरी वैल्यू यानी मौद्रिक मूल्य मौद्र, कीमत कितनी होगी उसको निकालेंगे ओके okay? ये मोटे तौर पर एक कंसेप्ट होता है या इसे बोल सकते हैं द आइडिया ऑफ नेशनल इनकम तो सबसे पहली बात यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि नेशनल इनकम जो है ये एक प्रकार से फ्लो है यानी वस्तुओं और सेवाओं का निरंतर चलने वाला प्रवाह जो होता है उसको हम राष्ट्रीय आय बोलेंगे आपके पास अगर स्टॉक है तो उसको हम राष्ट्रीय आय में नहीं मानते हैं तो इसका मतलब हुआ यह या ये वस्तुओं और सेवाओं का निरंतर प्रवाह होता है ठीक है अब निरंतर प्रभाव होता है इसका मतलब है कि इसमें एक पर्टिकुलर समय अवधि को लिया जाएगा और वह समय अवधि जो है वो फाइनेंशियल ईयर होती है तो उस फाइनेंशियल ईयर में कितना आपने उत्पादन किया ना कि आपके पास कितना स्टॉक है स्टॉक को नेशनल इनकम नहीं बोलते हैं ध्यान रखना इस चीज़ में यानी किसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के फ्लो से मतलब होता है ना कि उस समय आप कितना वस्तु ला सकते हो जैसे मान लो आपके पास पैतृक रूप से दो सौ करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है तो ये दो सौ करोड़ रुपए नेशनल इनकम नहीं होता है आप महीने में मात्र दो हजार कमाते हो तो ये दो हज़ार नेशनल इनकम काउंट होगा ये 200 करोड़ ये स्टॉक है इसको काउंट नहीं कर सकते तो ये ध्यान रखना है कि नेशनल इनकम का मतलब है कि पर्टिकुलर ड्यूरेशन में उत्पादित होने वाली वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह से होता है स्टॉक से नहीं होता है कि आप उस समय कितना शो कर सकते हो एक बात दूसरा इसमें क्या रहता है नेशनल इनकम में कि नेशनल इनकम में वस्तुओं और सेवाओं की कौन सी वैल्यू तो इसमें मार्केट प्राइस को ऐड करते हैं सभी प्रकार की गुड्स एंड सर्विसेस इनकी मार्केट वैल्यू यानी बाज़ार में इसकी कीमत क्या है उसको ऐड करते हैं और कोई भी जो वस्तु होगी उसको सिर्फ एक बार काउंट करेंगे ऐसा नहीं कि हो सकता कि एक ही वस्तु को हम कई बार अनेक बार काउंट कर लें एक ही एक वस्तु को सिर्फ एक बार काउंट किया जाएगा ओके ठीक है अब बाजार मूल्य क्या होता है मार्केट प्राइस क्या होता है इसको भी अगर समझना चाहो तो इसको भी समझ सकते हैं मार्केट प्राइस या बाज़ार मूल्य बाजार मूल्य का मतलब है कि कोई भी गुड्स कोई भी वस्तु फैक्ट्री में बनी होगी तो उसको हम फैक्ट्री कॉस्ट बोल सकते हैं प्लस उस पर प्रॉफिट लिया होगा लाभ कमाया होगा प्लस उस पर अगर मान लो ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च हुआ होगा भाड़े के रूप में उस पर इनडायरेक्ट टैक्स लगे होंगे तो ऐसी सारी चीज़ें जो ऐड कर ली जाती हैं तब जाकर के जो निकलता है उसे मार्केट प्राइस कहते हैं यानी मार्केट प्राइस का मतलब है कि हमें वह वस्तु कितने रुपए में मिलती है ओके और इसी में एक आता है फैक्टर कॉस्ट जो यहाँ लिखा ना साधन लागत साधन लागत का मतलब होता है कि किसी गुड्स को बनाने में लागत आपकी कितनी आई थी इसमें ना तो प्रॉफिट ऐड होता है ना इसमें ट्रांसपोर्टेशन ऐड होता है ना इसमें कोई इनडायरेक्ट टैक्स ऐड होते हैं ठीक ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है अब चलते हैं नेशनल इनकम के बेसिक कंसेप्ट पर तो राष्ट्रीय आय को मापने के लिए दो मूल रूप से दो मेजर रूप से कंसेप्ट आते हैं एक देश में जैसे हम बोलते हैं घरेलू उत्पाद डोमेस्टिक प्रोडक्ट और दूसरा जैसे हम नाम देते हैं नेशनल प्रोडक्ट राष्ट्रीय उत्पाद बस यही दो बेसिक कंसेप्ट हैं और इन्हीं से फिर नए कंसेप्ट ड्राइव हो जाते हैं कैसे कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट को आप क्या बोलते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इसके पहले जी जोड़ दो तो ये जीडीपी हो गया सकल घरेलू उत्पाद इसको एनडीपी भी काउंट करते हैं ना नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट राष्ट्रीय उत्पाद को हम क्या बोलते हैं नेशनल प्रोडक्ट इसके पहले जी जोड़ दो तो ये जी हो गया सकल राष्ट्रीय उत्पाद इसके पहले एन कर दो ये तो नेट नेशनल प्रोडक्ट हो जाता है तो ये चार कंसेप्ट अब निकल के आए नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चारों को हम समझेंगे सबसे पहले हम लेते हैं किसको जीडीपी को जीडीपी क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है सकल घरेलू उत्पाद तो किसी भी देश के अंदर यानी किसी भी देश की इसमें जो मेजर पॉइंट आएगा कि किसी भी देश की भौगोलिक सीमा आएगी एक भौगोलिक सीमा के साथ साथ फिर अगला आएगा कि इस देश में पर्टिकुलर एक वर्ष तो वो वर्ष वित्तीय वर्ष होता है तो उस वित्तीय वर्ष में फाइनेंशियल ईयर में जैसे भारत के लिए एक अप्रैल से इकतीस मार्च राइट प्लस फिर क्या आएगा फिर यहाँ पर जोड़ा जाएगा कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि जो वस्तुएं बनेंगी और जो सेवाएं बनेंगी सेवाएं जनरेट होंगी ये सेवाएं और वस्तुएं क्या है अंतिम वस्तुएं और अंतिम सेवाएं ये भी समझा देता हूँ फाइनल गुड्स और इनका वैल्यू निकाल लेंगे मौद्रिक मूल्य निकालेंगे कि ये कितने रुपए की है बस उसका जो टोटल होगा उसे हम जीडीपी कहते हैं अगर हम भारत का जीडीपी निकालें अपने देश का तो हमारे देश में एक वित्तीय वर्ष में कितने प्रकार की वस्तुएं बनती होंगी और कितने प्रकार की सेवाएं वस्तु जो हमें दिखाई देती है जो स्थान घेरती है जिससे हमारी कोई आवश्यकता की पूर्ति होती है सेवाएं जैसे डॉक्टर जो प्रोवाइड करता है वो सर्विस है आप इस क्लास में जो ले रहे हो वो सर्विस है ट्रांसपोर्टेशन एक सर्विस है कम्युनिकेशन एक सर्विस है बैंकिंग एक सर्विस है इंश्योरेंस एक सर्विस है यानी ये इनविजिबल होती है मगर उसके लिए भी हमें पेमेंट करना पड़ता है फाइनल गुड्स का मतलब ये हुआ कि एक किसान ने दस क्विंटल गेहूं की पैदावार की अब इसने इसमें से पाँच क्विंटल गेहूं बेच दिया किसी ऐसी कंपनी को जो कुछ गेहूं से दूसरा प्रोडक्ट बनाती है तो इसका अर्थ ये हुआ कि फाइनली पाँच क्विंटल तो गेहूं के रूप में प्रयोग में ला रहे हैं और पाँच क्विंटल बिस्किट के रूप में तो अंतिम उत्पाद जिसका हम उपयोग करते हैं उसे कहते हैं ठीक अब जीडीपी में ध्यान देना पड़ेगा कि भौगोलिक सीमा तो भौगोलिक सीमा का मतलब है इसमें हमारे जो देशी वो लोग भी आ जाएंगे प्लस जो विदेशी हैं और भारत के अंदर काम करते हैं या भारत के अंदर उनके कारखाने लगे हैं तो उन दोनों के उत्पादन को भी जोड़ा जाएगा इसमें देशी और विदेशी में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है भौगोलिक सीमा के अंदर निवास करने वाले यानी ऑल रेसिडेंशियल चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो वो सारा का सारा इसके अंतर्गत आ जाता है क्लियर है ये बात जीडीपी ऐसे करके काउंट करते हैं तो जीडीपी का उपयोग क्या होता है ये हमें पता हो जाए तो ये भी हम लिख लें जी को आखिर यूज कहाँ करते हैं इसका उपयोग कहाँ पर है तो जी में ही जो परिवर्तन आता है और वो परिवर्तन कैसा होता है एनुअल चेंज के रूप में दिखाई देता है ना वार्षिक परिवर्तन शो करते हैं तो उस वार्षिक परिवर्तन को हम किसमें प्रतिशत के रूप में अगर दिखाएं तो यही हमारी वृद्धि दर है वृद्धि दर को ग्रोथ को दर्शाता है पिछली बार मान लेते हैं कि दस हजार रुपए जीडीपी था इस बार पंद्रह हजार रुपए हो गया तो कितने परसेंट चेंज हुआ चेंज हुआ प्रतिशत के रूप में निकालते हैं तो एक उपयोग यह रहता है यह हमारी ग्रोथ को यानी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को बताता है आज का पेपर पढ़ोगे लिखा है कि पैंतालीस साल से सबसे कम जीडीपी की ग्रोथ दर रही जीडीपी से हमें जानकारी मिलती है किसकी क्वांटिटी की मात्रा की कि कितना सामान आपके देश में उत्पादित हुआ है लेकिन यह क्वालिटी के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है इससे गुणात्मक सामान की क्वालिटी की कोई जानकारी नहीं मिलती है इसका उपयोग वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसका उपयोग आईएमएफ के द्वारा किया जाता है किस काम में विभिन्न देशों में तुलना करने के लिए कंपरेटिव स्टडी तुलनात्मक अध्ययन में इसका उपयोग किया जाता है तो ये तो हो गए जीडीपी के उपयोग जीडीपी क्या है तो हमारे देश की अंदर जो कुछ भी एक साल में प्रोड्यूस होगा तो ये एक प्रकार से उस देश की प्रोडक्शन पावर को रिप्रेजेंट करता है ना मैटर ये नहीं है कि प्रोडक्शन किसने किया है देसी या विदेशी ये यहाँ पर बात नहीं आती है यहाँ पर फोकस इस बात पे दिया जाता है कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है करने वाला कौन है ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता है राइट उत्पादन महत्वपूर्ण है न कि उत्पादन करने वाला तो ये हो गया जी अब जी के बाद अगला कंसेप्ट आता है जैसे हम बोलते हैं एन तो एन क्या है उसको भी देख लेते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से इसे जाना जाता है नेवल घरेलू उत्पाद कहते हैं तो जी जो आया है इसमें से डेपरीशिएशन यानी कि जिसे हिरास कहते हैं या टूट फूट कहते हैं उसको अगर हम घटा देंगे तो अब जो निकल के आएगा उसे हम एन बोलते हैं टूट फूट का मतलब क्या है मान लेते हैं कि आपने एक नया ट्रक खरीदा और ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टर के यहाँ पर इसको लगा दिया एक साल में इसने आपको दो लाख रुपए का प्रॉफिट कमा के दिया तो दो लाख रुपए आपका जीडीपी है अगले साल फिर से ये ट्रक काम करेगा दो लाख रुपए फिर देगा लेकिन अब इसमें सर्विसिंग पर खर्च करोगे इसके कुछ पुर्जे टूट जाएंगे उनको रिप्लेसमेंट करोगे तो ये उसके मेंटेनेंस पर खर्च किया जाता है इसी को हम डेप्रीशिएसन या इसी को हिरास कहते हैं तो कहने का अर्थ है कि वे संसाधन जिनके द्वारा उत्पादन किया जाता है तो उपयोग करने के दौरान उसमें घिसावट आती है टूट फूट जाते हैं एक दूसरा कभी कभी क्या होता है हमारी करेंसी की वैल्यू भी घट जाती है अवमूल्यन भी हो जाता है तो अवमूल्यन के कारण भी ह्रास होता है तो ये ह्रास माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर जो मिलेगा उसे हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं इसका क्या उपयोग है इसका कहाँ प्रयोग किया जाता है तो ये हमें बताता है कि घिसावट के कारण कितना आपका लॉस हुआ है ना घिसावट के कारण होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी देता है जितना डिप्रीशिएशन माइनस करोगे आपका प्रॉफिट उतना घटता जा रहा है प्लस ये हमें फिर इस बात के लिए भी प्रेरित करता है कि कल पुरजे मशीनें इनकी टूट फूट ज़्यादा होती है इनके रख रखाव पर ज़्यादा खर्च होता है तो कुछ नए प्रकार की खोज की जाए यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाए शोध और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए और कम से कम घिसावट हो कम से कम टूट फूट हो ऐसी चीज़ें बनाई जाएँ तो उसके लिए भी ये हमें प्रेरित करता है इंस्पिरेशन प्रोवाइड करता है राइट right? नेक्स्ट बाकी तो फिर ये रहता है कि अलग अलग देशों में डेप्रिशिएसन की रेट अलग रहती है तो एनडीपी से कंपेयर तो नहीं करते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड नहीं बन पाता है तो ये दो प्रमुख उपयोग लेकर करके आप छोड़ सकते हैं अब चलते हैं जीएनपी पर जी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है है ना सकल राष्ट्रीय उत्पाद कह देते हैं तो जहाँ जी में क्या था कि देश की भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित होने वाली अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य इसमें क्या आएगा इसमें आएगा देश के नागरिकों द्वारा किसी भी देश के नागरिकों के द्वारा एक वर्ष में जो कुछ भी अंतिम रूप से कोई वस्तु और सेवाएं उत्पादित की जाती हैं उनका क्या निकालेंगे मौद्रिक मूल्य उनकी कीमत क्या है का योग टोटल जो कर लेंगे बस यही होता है जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी में हमने देखा था कि वहाँ पर ये मैटर नहीं करता है कि उत्पादन कौन कर रहा है बट जीएनपी में ये मैटर करता है कि उत्पादन करने वाला व्यक्ति कौन है उत्पादन कौन कर रहा है यानी इसमें विदेशियों के द्वारा अगर हमारे देश में कोई उत्पादन होता है तो वह ऐड नहीं होगा उसको नहीं जोड़ा जाएगा हमारे देश का व्यक्ति यदि विदेश में रह कर के कुछ अर्जित करता है कमाता है तो वो हमारे इस जीएनपी में ऐड होगा राइट तो देश के अंदर जो विदेशी कमाते हैं उस अमाउंट को माइनस कर दो देश के बाहर जो हमारे नागरिक कमाते हैं उसको हम जोड़ दो तो एक प्रकार से इसको कैसे निकाल सकते हैं जीडीपी जीडीपी में प्लस क्या कर दें एक्स कर दें एक्स क्या है देशवासियों के द्वारा विदेश में अर्जित आय माइनस एम कर दें एम क्या है विदेशियों के द्वारा हमारे देश में अर्जित आय, ये बराबर हो जाएगा जीएनपी के है ना? एक्स लिख सकते हैं देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय अर्जित मतलब कमाई जाने वाली और एम क्या होता है विदेशियों द्वारा हमारे देश में कमाई जाने वाली आए तो ये हमें सिर्फ नागरिकों के द्वारा उत्पादित होने वाली वस्तुओं और सेवाओं की सटीक जानकारी देने लगता है क्लियर है ना ये बात यहाँ तक अब क्या करते हैं अब जीएनपी के बाद एनएनपी पर चलेंगे लेकिन जीएनपी के भी हम उपयोग देख लें जैसे जीडीपी के उपयोग देखे इसी तरीके से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के भी उपयोग हम देख लेते हैं कि इसका क्या उपयोग होता है तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संघ जो है ये क्या करता है कि अलग अलग देशों को जो रैंकिंग प्रदान करता है है ना तो आईएमएफ के द्वारा परचेजिंग पावर पैरिटी इसे बोलते हैं क्रय शक्ति तुल्यता के द्वारा विभिन्न देशों को रैंकिंग दी जाती है जिसमें जी एन पी का ही प्रयोग किया जाता है एक ये हो गया। दूसरी बात क्या रहती है कि राष्ट्रीय आय जो निकाली जाती है तो राष्ट्रीय आय जीडीपी की तुलना में जीएनपी से ज्यादा सही जानकारी देगा ब्रॉड कंसेप्ट है क्योंकि जीडीपी में क्या था देश के अंदर विदेशी भी उत्पादन करते हैं वो भी जुड़ जा रहा है तो वो हमारे राष्ट्रीय आय को सही रूप से नहीं रिफ्लेक्ट करता है तो जीडीपी राष्ट्रीय आय की गणना में कैलकुलेशन में जीडीपी से अधिक सटीक जानकारी उपलब्ध करवाता है क्योंकि इसमें सिर्फ नागरिकों की इनकम को रखा जा रहा है ना तो ये इसके उपयोग लिख सकते हैं ओके okay. जीएनपी हो गया तो जीएनपी के बाद अगला आता है एन एन पी नेट नेशनल प्रोडक्ट तो इसमें भी वही कर लो जीएनपी माइनस डेप्रीशिएशन या मूल हिरास या टूट फूट रख रखाव पर जो खर्च होता है उसको अगर हम माइनस कर दें तो जो निकल कर आता है उसी को हम नेट नेशनल प्रोडक्ट या इसी को दूसरे शब्दों में नेशनल इनकम कहते हैं राष्ट्रीय आय कहते हैं ओके तो राष्ट्रीय आय यही होती है एनएनपी ही राष्ट्रीय आय होती है इस राष्ट्रीय आय से हम प्रति व्यक्ति आय भी निकाल सकते हैं तो पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए जो एनएनपी निकला है उसमें हम उस देश की जनसंख्या से अगर भाग दे दें तो जो निकल के आएगा उसी को हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं तो ये हो गया नेशनल इनकम की जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, एनडीपी अब इसके आगे बढ़ते हैं इसके आगे का कंसेप्ट क्या है उस पर भी फोकस कर लेते हैं देखें कि जीडीपी की गणना जो की जाती है उसमें आपने देखा होगा एक लिखा रहता है जी एट फैक्टर कॉस्ट यानी साधन लागत पर जीडीपी ऐसे ही जीडीपी में लिखा रहता है कि जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट है ना ऐसे करके ये चीजें चलती रहती हैं तो अब थोड़ा सा हम इसके आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय आय तक पहुंच गए राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए फॉर मेशरिंग राष्ट्रीय आय हम क्या करते हैं यहाँ चार नए नए पॉइंट इनका प्रयोग करेंगे पहला होता है कि नेशनल इनकम एट मार्केट कॉस्ट बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय को निकालना दूसरा होता है राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट साधन लागत पर राष्ट्रीय आय को निकालना तीसरा होता है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस कांस्टेंट प्राइस का मतलब हो गया स्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय आय को निकालना और चौथा आता है नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस चालू मूल्य पर या वर्तमान मूल्य पर राष्ट्रीय आय की गणना करना नेशनल इनकम तक पहुंच गए नेशनल इनकम को काउंट करते समय ये चार बातें और हमें समझनी होंगी तो एक एक करके इनको ले लेते हैं अपनी सुविधा के अनुसार और आसानी से ये हमें समझ में आ जाएगा पहले अगर हम मार्केट कॉस्ट को ही ले लें राष्ट्रीय आय की गणना किस पर करने जा रहे हैं बाजार कीमत पर करने जा रहे हैं तो बाजार कीमत का मतलब है कि कोई भी वस्तु या कोई भी सेवा कस्टमर को उपभोक्ताओं को कितनी रेट पर मिलती है उसके वैल्यू को अगर हम जोड़ करके नेशनल इनकम निकालेंगे तो ये बाजार कीमत कहलाएगा वह कीमत जिस पर सामान को उपभोक्ताओं के द्वारा खरीदा जाता है या ऐसा कह सकते हैं कि इस कीमत पर जो सेलर है बेचने वाला है अपने सामान को बेचता है तो जब इसको हम अपने काउंटिंग में लेंगे तो वह कहलाएगा बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय नमस्कार ओके okay, ये क्लियर हो गया अब चलते हैं दूसरा जो इसमें दिया था ना फैक्टर कॉस्ट, कॉस्ट फैक्टर कौस्ट को हम हिंदी में साधन लागत भी कहते हैं अब साधन लागत पर की गणना करने का मतलब हो गया कि फैक्ट्री प्राइस की बात हो रही है कि कारखाने में कोई वस्तु उत्पादित करने में कितना इस पर खर्च हुआ था यानी इसकी लागत क्या थी तो उत्पादन लागत को हम यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे एक लीटर जो पानी की बोतल है हम बाज़ार में अगर खरीदने जाएं, तो बीस रुपए की ऑन एन एवरेज मिल जाती है लेकिन अगर पता चला कि इसके बनाने पर मात्र पाँच रुपए खर्च होते हैं तो अगर बीस रुपए के हिसाब से अगर नेशनल इनकम के डाटा कलेक्ट करोगे तो ये बाजार मूल्य हो गया अगर पाँच रुपए के हिसाब से कलेक्ट करोगे तो ये साधन लागत हो गई क्योंकि उसको बनाने में तो पाँच रुपये खर्च हुआ था ना इसमें ना तो बनाने वाले का प्रॉफिट जोड़ते हैं ना ही माल भाड़ा जोड़ते हैं ना ही इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ते हैं ना ही एडवर्टाइजमेंट कुछ नहीं जोड़ते हैं अब जब उत्पादन लागत है तो उत्पादन करने के लिए हमें पांच मुख्य चीजों की आवश्यकता पड़ती है किसी भी वस्तु का अगर आप उत्पादन करते हैं क्या क्या लैंड यानी भूमि कैपिटल पूंजी श्रम लेबर संगठन ऑर्गेनाइजेशन और साहस करेज तो ये साहस तो व्यक्ति के अंदर है इसको पैसे से नहीं खरीदा जा सकता लेकिन भूमि हो गई पूंजी हो गई श्रम हो गई संगठन हो गया इनके लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो ये चार जो फैक्टर हैं ये किसी चीज़ के प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे बिना इसके तो प्रोडक्शन होगा नहीं ना तो अगर हम आ, ऐसे देखें कि फैक्टर कॉस्ट मैथमेटिकली, तो टोटल कॉस्ट जो आई टोटल लागत जो आई किसी भी वस्तु को बनाने में उसमें भाग दे देते हैं किसका के टोटल कितनी क्वांटिटी उस प्रोडक्ट की बनाई गई है राइट right? तो ये हमारे लिए इतना काम का विशेष नहीं होता आप इसको चाहो तो छोड़ सकते हो तुलना कर सकते हैं बाजार मूल्य और साधन लागत क्या क्या होते हैं तो उस पर एक कंपैरिजन किया जा सकता है अंतर पूछें तो वो बता सकते हो फैक्टर कॉस्ट और बाजार मूल्य देखो बाज़ार मूल्य में क्या होता है प्रॉफिट भी ऐड हो जाएगा मुनाफा इसमें भाड़ा भी ऐड हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन इसमें यदि विज्ञापन पर खर्च किया जा रहा है तो वो भी ऐड हो जाएगा इसमें इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो भी ऐड हो जाएंगे लेकिन फैक्टर कॉस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें ये सब नहीं जोड़ा जाएगा यह सब सम्मिलित नहीं होगा ना तो उसमें प्रॉफिट को जोड़ेंगे ना इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ेंगे ना भाड़ा जोड़ेंगे ना कोई विज्ञापन पर खर्च हुआ है कुछ भी नहीं जोड़ते हैं मार्केट में जो चीज़ें हमें मिलती हैं उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं बार्गनिंग कर सकते हैं ना मोल भाव किया जा सकता है ना और करते भी हैं क्यों क्योंकि हो सकता है उसने अपना प्रॉफिट ज़्यादा जोड़ लिया हो लेकिन यहाँ फैक्टर कॉस्ट वह है कीमत है जिस पर कोई सामान बनके तैयार हुआ था तो इसमें बार्गनिंग हो ही नहीं सकती मूलभाव संभव ही नहीं है ओके okay? अब यहां हमें देखने को मिलता है कि अलग अलग चीजों के दाम अलग अलग स्थान पर अलग अलग हो जाते हैं एक ही वस्तु खरीदने जाओ उसकी दुनिया भर की अलग अलग प्राइस होती है तो ये क्यों संभव है ट्रांसपोर्टेशन पर निर्भर करता है लगने वाले टैक्स पर निर्भर करता है एक ही वस्तु की कीमत भिन्न भिन्न होती है फैक्टर प्राइस में ऐसा नहीं होता फैक्टर कॉस्ट में नहीं होता यहाँ सभी जगह समान होती है ओके okay, तो राष्ट्रीय आय की गणना करते समय डाटा अलग अलग आ जाएंगे ना क्योंकि एक ही वस्तु अलग अलग जगह अलग अलग रेट पर मिल रही है तो यहाँ अगर इससे हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो कठिनाई आती है अलग अलग डाटा आएंगे राष्ट्रीय आय आए की गणना में कठिनता आती है क्योंकि अलग अलग स्थानों जैसे पेट्रोल का ही दाम देख लो एमपी में कुछ है महाराष्ट्र में कुछ है यूपी में कुछ है गुजरात में कुछ है है ना ये आसान होगा अगर इसके आधार पर हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे क्योंकि सभी जगह यूनिफॉर्म एक जैसी कीमतें हैं तो राष्ट्रीय आय को फैक्टर कॉस्ट पर मापना ज्यादा व्यवहारिक है मग, और मापा भी जाता था फैक्टर कॉस्ट पर लेकिन अब इसको छोड़ दिया गया है अब मार्केट प्राइस पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाने लगी है ये हो गया क्लियर अब तीसरा कंसेप्ट लेते हैं जहां पर राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे थे स्थिर मूल्य पर कॉन्स्टेंट प्राइस पर स्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय आय स्थिर मूल्य का मतलब हुआ कि इसमें एक किसी प्रीवियस ईयर को किसी वर्ष को किसी वित्तीय वर्ष को बेस मान लेते हैं आधार मान लेते हैं और उस वर्ष के हिसाब से फिर चीज़ों की गणना की जाती है हम मान लें कि सन 2000-2001 इसको बेस मान लिया अब सन 2000-2001 में 2000 मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हुआ राइट right? अब सन 2000-2001 में गेहूं का भाव होगा एक हजार क्विंटल या बारह सौ रुपए क्विंटल इसके हिसाब से जब आप कीमत निकालोगे तो वो कम आएगी वर्तमान में 2020-21, 21-22 चल रहा है तो गेहूं का भाव एक हजार रुपए क्विंटल थोड़ी है बाईस सौ रुपए ढाई हजार रुपए क्विंटल है तो स्थिर मूल्य का मतलब है कि, कि किसी पुराने वर्ष को आधार मान लिया जाता है और ये मान के चलते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई मुद्रा स्फीति नहीं हुई है और उसी हिसाब से हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे कि अब इस बार मान लो इस ईयर में गेहूं का उत्पादन हुआ 210 मीट्रिक टन तो आंकड़े जो कलेक्ट किए जाएंगे उसमें 210 सौ दस इंटू मतलब मीट्रिक टन इस 1100 के हिसाब से हज़ार रुपये के हिसाब से निकालेंगे और वर्तमान के हिसाब से निकालेंगे तो ज्यादा तो कांस्टेंट प्राइस में इन्फ्लेशनरी इफेक्ट को छोड़ दिया जाता है ठीक चौथे पर चलते हैं जिसमें क्या था करेंट प्राइस लिखा था ना नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस वर्तमान मूल्यों पर राष्ट्रीय आय की गणना करना तो वर्तमान मूल्य यानी आज के समय आज अगर हम निकालेंगे यानी जिस वित्तीय वर्ष में गणना की जाती है उसी वर्ष के, उसी वर्ष वर्ष के की कीमतों को जोड़ा जाता है ऐसा नहीं कि पुछले पुराना काम कर रहे हैं तो नेशनल इनकम दोनों कांस्टेंट प्राइस पर भी निकालते हैं करंट प्राइस पर भी निकालते हैं जैसे मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय इतनी है तो लिखा होगा उसमें सफिक्स के रूप में कि स्थिर मूल्यों पर इतनी है और वर्तमान मूल्य पर इतनी है है ना? तो ये चार तरीके जो बताए थे कि राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए इन चार चीज़ों का प्रयोग करते हैं मार्केट कॉस्ट फैक्टर कॉस्ट कॉन्स्टेंट प्राइज करेंट प्राइज ये अपने आप अप में क्लियर हो जाता है जी एन पी क्या था एन एन पी क्या था जी डी पी क्या था ये सब अपने आप अप में स्पष्ट हो जाता है राइट अब इसके बाद चलेंगे आगे उस पर बात करेंगे कल के लेक्चर में आज के लिए इतना